सब्सक्राइब कीजिए स्मार्टफोन की चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों स्मार्टफोन की चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे को भी दबा दीजिए आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैं आपको आज बताऊंगा कि हम इंग्लिश क्रॉसवर्ड पहेली को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो या सजेशन देना चाहें वीडियो के नीचे जाके कमेंट बॉक्स में अपने राय दे सकते हैं। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हिंदी क्रॉसवर्ड पहेली जिस तरीके से मैंने बताई थी वैसे ही इंग्लिश क्रॉसवर्ड है, उसी तरीके से इंग्लिश क्रॉसवर्ड को खेलना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि पहले मैं बताता हूँ एक्रॉस एंड डाउन। फ्रेंड्स ये वाले जो एक्रॉस वाले सवाल है फ्रेंड्स ये सीधा आपको हॉरिजॉन्टल में जवाब देना होगा और डाउन वाले में वर्टिकल में, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स पोर्ट्री मतलब फ्रेंड्स इसका होता है चित्रित करना, ठीक है। फ्रेंड्स इसका इंग्लिश में एक और मीनिंग होता है डेपिक्ट। तो फ्रेंड्स जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में आप देखिए छः खाने में आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो डेपिक्ट लिख देते फ्रेंड्स। इसका जवाब फ्रेंड्स डेपिक्ट है। अच्छा फ्रेंड्स उसी तरीके से हम अब ये डेपिक्ट हो गया, अब मैं उसका अगला जवाब बताता हूँ। फ्रेंड्स जैसे बी स्लो टू डिपार्ट, फोर्थ खाने में आपको जवाब देना है इसका। तो देखिए फ्रेंड्स फोर्थ यहाँ है, कितने बक्से में जवाब देना है, 6 खानों में। तो देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6, इसका अर्थ होता है मतलब कि हट जाना। बी स्लो टू डिपार्ट मतलब फ्रेंड्स बी स्लो डिपार्ट का मतलब होता है हट जाना। तो इसी में इसका इंग्लिश में वर्ड है लिंगर, ये आएगा फ्रेंड्स 6 खानों में। देखिए LINGER जैसे मैं आपको भर के दिखा देता हूँ, LINGER लिंगर। अच्छा फ्रेंड्स अब मैं आपको वर्टिकल में दिखाता हूँ डाउन में। अच्छा फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे फ्रेंड्स ये 2 है, जैसे वाला ये सेकंड। अब जैसे फ्रेंड्स इसका पी से है ना, तो इसके जो जैसे देख जैसे देखिए इस्टेब्लिश ट्रुथ ऑफ मतलब फ्रेंड्स इसका होता है मतलब साबित करना, साबित करने में। अब इसके अंदर फ्रेंड्स इसका जो पी से रिलेटेड ही इसका जब फर्स्ट वर्ड आएगा, जैसे कि फ्रेंड्स जैसे आपको करके दिखाता हूँ, इस्टेब्लिश ट्रुथ ऑफ मतलब फ्रेंड्स इसको साबित करना होता है। इंग्लिश में पी से आने वाला वर्ड इससे सिमिलर मतलब इसी से मिलता जुलता वर्ड कौन सा है, मतलब लगभग लगभग इसी से मिलता है फ्रेंड्स को, जैसे कि प्रूफ, पी प्रूफ। अब देखिए फ्रेंड्स ये है 5 शब्द का वो मतलब 5 खाने आएंगे, सॉरी 5 खानों में आएगा ये। तो ये देखिए 5 खानों में आपको करके दिखा देता हूँ, ये OVE प्रूफ, प्रूफ ये हो गया फ्रेंड्स इसका। वैसे ही अब देखिए डी है फ्रेंड्स, ये देखिए फर्स्ट में इसका भी जवाब जैसे देखिए मैकेनिकल कॉन्ट्रीवेंस। फ्रेंड्स इसका जो जवाब आएगा वो भी 6 वर्ड्स में आएगा और इसका पहले शुरुआत होगा डी से ही होगा। उसी तरीके से सेम फ्रेंड्स ये थर्ड वाले में भी देख लीजिए, सफर नर्वस ब्रेकडाउन, इसका भी जवाब फ्रेंड्स जैसे कि आएगा इसका आएगा 5 और 2 में। जैसे देखिए फ्रेंड्स ये है तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब फ्रेंड्स इसका जो जवाब आएगा 7 वर्ड्स में आएगा। देखिए 5 और 2 को जोड़ दीजिए कितना होता है 7, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो शुरुआत होगी सी से ही होगी, सी वाले वर्ड से ही होगी, मतलब इसका जो वर्ड होगा उसमें पहला शब्द जो पहला लेटर जो होगा वो सी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स मैंने जो आपको बताया है कि इंग्लिश क्रॉसवर्ड पहेली को किस तरीके सॉल्व करते हैं इस वीडियो में, उस तरीके से आप कोई भी क्रॉसवर्ड पहेली को लीजिए, आप इंग्लिश क्रॉसवर्ड पहेली को आप सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपका इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछिएगा, या आप कोई सजेशन देना चाहें तो ज़रूर सजेशन दीजिएगा और बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी। मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अपने चैनल पर लेटेस्ट से लेटेस्ट ऐप्स गेम्स और हर चीज़ की जानकारी लाता रहता हूँ फ्रेंड्स। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।